मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनोइड में एक टोरॉइड लो, ये एक टोरॉइडल सोलेनोइड है, गोल 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 घुमाना है आपने। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसमें आपको बी जो निकालना है वो कहाँ पे निकालना है, इसके एक्सिस पे निकालना है अंदर, और एक्सिस पे निकालना है। तो अगर मान लो करंट इसमें अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है तो हम देख रहे हो डायरेक्शन, तो बी की डायरेक्शन भी ऐसे है, तो बी की डायरेक्शन ऐसे है, तो आप अगर यहाँ पर बी निकालना चाहते हो टेक अ क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ लो और क्लोज पाथ सर्कल ड्रॉ कर लो, ये गलत बना हुआ है इसमें, तो आप इसमें डीएल वेक्टर एक तरफ लो, ऐसे लो डीएल वेक्टर ऐसे, तो डीएल वेक्टर बी के साथ जाएगा, क्योंकि बी करंट कैसे जा रहा है, मान लो बोर्ड के अंदर ऐसे जा रहा है, तो बी वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर नीचे है, डीएल भी नीचे है, तो आपने क्लोज पाथ लिया जहां पर आपको बी निकालना है। तो ये मान लो बी वेक्टर इस एलिमेंट में नीचे है और डीएल एलिमेंट भी नीचे है, तो बी और डीएल में क्या आएगा, बी डीएल कॉस जीरो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा पूरे क्लोज पाथ का, 2 पाई आर, तो ये रहा 2 पाई आर, क्योंकि आपने क्लोज पाथ की लेंथ क्या ली, स्मॉल आर, तो आपने यहां पर क्या लिया, तो यहां पर इस क्लोज पाथ की ये लाइन कुछ नहीं है, लाइन क्या है, इमेजिनरी क्लोज पाथ है ये, तो क्लोज पाथ के लिए बी इंटू 2 पाई आर। अब मुझे पता है कि बी डॉट डीएल होगा क्या, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट जो घूमता हुआ जा रहा है इस क्लोज पाथ में, तो एक लूप में करंट क्या आए, और n क्या है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, को लेंथ 2 पाई आर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि क्लोज पाथ की लेंथ क्या है 2 पाई आर, तो n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ क्या आ गए, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स में एक टर्न में करंट आया है तो टोटल करंट इतना है, तो इसे और इसे इक्वेट कर लिया तो आंसर क्या आ गया, अगेन म्यू नॉट एन आई आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है?